नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नोवावैक्स वैक्सीन का वयस्कों पर प्रभावी असर देखने के बाद अब बच्चों पर जुलाई में परीक्षण कर सकती है सीरम इंस्टीट्यूट। गृह मंत्रालय ने किया राज्यों को अलर्ट, सेकेंड वेव से भी ज्यादा भयावह हो सकती है तीसरी लहर। बिग ब्रेकिंग, बीपीएससी ने जारी किया बिहार पुलिस दरोगा और सार्जेंट भर्ती का रिजल्ट। 10वीं और 11वीं के नंबरों से तय होगा सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में बताया फॉर्मूला, 12वीं का रिजल्ट 31 जुलाई तक प्रकाशित होगा। पटना के सरकारी स्कूलों को खोलने का आदेश, जिला शिक्षा पदाधिकारी ने आदेश जारी किया। कोरोना की रफ्तार कम होते ही एनएमसीएच में शुरू हुई ओपीडी, 18 जून से शुरू होगी इंडोर सेवा। बिहार में फर्जी शिक्षकों का मामला, निगरानी जांच से छूटे 93,000 शिक्षकों की नौकरी पर संकट। M2 मॉडल से ही होगा बिहार में पंचायत चुनाव, ईवीएम जुटाने में जुटा निर्वाचन आयोग। सिलेंडर की कमी से फूल सकती है सांसें, जानिए कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने को कितना तैयार है बिहार। आज से एम्स और सिटी के लिए पटना की सड़कों पर चलने लगे इलेक्ट्रिक बसें। अब खबरें विस्तार से। ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन का भारत में एस्ट्राजेनिका के सहयोग से तैयार कर रही पुणे स्थित देश की सबसे बड़ी दवा निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट की योजना अब नोवावैक्स वैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल करने की है। समाचार एजेंसी NIA के सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि जुलाई के महीने में सीरम इंस्टीट्यूट नोवावैक्स वैक्सीन का बच्चों के ऊपर परीक्षण कर सकती है। इसके साथ ही ANI ने बताया है कि सीरम इंस्टीट्यूट देश में सितंबर तक अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स की कोरोना वैक्सीन के आने की उम्मीद कर रही है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा है कि COVID-19 के खिलाफ नोवावैक्स वैक्सीन की प्रभावशीलता के आंकड़े आशाजनक और उत्साहवर्धक है तथा इसके नैदानिक परीक्षण भारत में पूर्ण होने के एडवांस स्टेज में है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से वैक्सीन निर्माण के लिए करार करने वाली नोवावैक्स कंपनी ने सोमवार को कहा है कि उसका टीका COVID-19 के खिलाफ अत्यधिक प्रभावी है और यह वायरस के सभी स्वरूपों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। देश के ज्यादातर राज्यों में अब कोरोना कर्फ्यू की पाबंदियां नियमों के साथ हटा ली गई है। बाजार, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट समेत मेट्रो और अन्य परिवहन व्यवस्थाओं को फिर से शुरू करने की अनुमति दी जा चुकी है, लेकिन अचानक दी गई इस छूट के बाद पूरे देश के राज्यों में जो माहौल है उससे गृह मंत्रालय की चिंता बढ़ गई है। बुधवार को गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में इसे लेकर चर्चा हुई। उसके बाद देश भर के सभी राज्यों को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें बोला गया है छूट तो मिली है लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने इस बैठक में बताया है कि अगर हालात लापरवाही भरे रहे तो तीसरी लहर बहुत भयावह हो सकती है। इस वक्त एक ताजा खबर बिहार पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई सामने आ रही है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने दरोगा भर्ती सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक की बहाली को लेकर हुई परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट जारी किया गया है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा जारी रिजल्ट के मुताबिक 2062 कैंडिडेट्स ने दरोगा, 215 कैंडिडेट्स ने सार्जेंट और 125 कैंडिडेट्स ने सहायक जेल अधीक्षक के पद पर बाजी मारी है। BPSSC अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाकर डायरेक्ट अपना रिजल्ट देख सकते हैं। CBSE बोर्ड की 12वीं का अंक पत्र तैयार करने को लेकर 13 सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय में सौंप दिया है। CBSE ने बताया है कि 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के रिजल्ट को 12वीं के फाइनल रिजल्ट का आधार बनाया जाएगा। CBSE ने बताया कि जो बच्चे परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए बाद में अलग से व्यवस्था की जाएगी। 12वीं का अंक पत्र तैयार करने का विवरण देते हुए CBSE ने बताया कि 10वीं के 5 विषय में से 3 के सबसे अच्छे अंक को लिया जाएगा। इसी तरह 11वीं के 5 विषयों का एवरेज लिया जाएगा। 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम और प्रैक्टिकल का नंबर लिया जाएगा। 10वीं के नंबर का 30%, 11वीं के नंबर का 30% और 12वीं के नंबर का 40% के आधार पर परिणाम प्रकाशित किए जाएंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने पटना के सभी स्कूलों को खोलने का आदेश जारी कर दिया है। 50% शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ स्कूलों को खोला जाएगा। हालांकि स्कूल में बच्चे नहीं आएंगे, वे घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। पटना DEO की तरफ से यह निर्देश दिया गया है कि इस दौरान शिक्षक और छात्रों के अभिभावकों का टीकाकरण, छात्रों को मिलने वाले मिड डे मील योजना के खाद्यान्न का वितरण अभिभावकों को किया जाएगा। इसके लिए स्कूलों को खोलने का आदेश दिया गया है। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन किया जाएगा। पटना के सभी सरकारी स्कूल पूर्व निर्धारित समय पर ही खुलेंगे। कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जिसे लेकर पटना DEO ने यह फैसला लिया है।
हालांकि इस दौरान बच्चों के स्कूल जाने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए सरकार ने सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया था। कोरोना संक्रमण का असर कम होने के साथ कई तरह की छूट भी दी जा रही है। पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अब सभी स्कूलों को खोलने का आदेश दे दिया है, लेकिन इस दौरान बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। कोरोना की रफ्तार कम होते ही अब स्वास्थ्य व्यवस्था भी सामान्य होने लगी है। पटना के सबसे बड़े अस्पताल NMCH में 3 महीने बाद आज से OPD सेवा शुरू की गई। जल्द ही इंडोर सेवा भी शुरू की जाएगी। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं होने के कारण आज पहले दिन NMCH में आने वाले मरीजों की संख्या काफी कम दिखी। गौरतलब है कि बीते दिनों कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए NMCH में OPD सेवा को बंद कर दिया गया था। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए NMCH को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाया गया था, जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा था, जिसके कारण आम मरीजों का इलाज यहां नहीं हो रहा था। इस दौरान OPD और इंडोर में मरीजों के एडमिट नहीं किया जा रहा था, जिसके बाद आज से फिर से NMCH में OPD सेवा शुरू की गई। बिहार में फर्जी शिक्षकों का मामला कोई नहीं है, लेकिन अब सरकार की सख्ती के बाद ऐसे शिक्षकों का पसीना छूट रहा है। निगरानी जांच से छूटे 93,000 शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक रही है। सरकार के आदेश के मुताबिक 17 जुलाई तक जिला के NIC पोर्टल पर जो शिक्षक सभी जरूरी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करेंगे, उनकी बहाली फर्जी मानते हुए हटा दिया जाएगा। निगरानी जांच में सर्टिफिकेट फर्जी मिलने पर नौकरी से हटाने के साथ ही वेतन की रिकवरी भी होगी। फर्जी शिक्षकों के मामले में बुधवार को शिक्षा विभाग ने सभी DEO और DPO को निर्देश जारी किया है। इसके पहले सभी जिलों के पोर्टल पर ऐसे लगभग 93,000 नियोजित शिक्षकों के नाम स्कूल अपलोड किए जा चुके हैं। अब इन शिक्षकों से उनका सर्टिफिकेट अपलोड कराना है। 2006 से 2015 तक विभिन्न नियोजन 5 इकाइयों से बाहर शिक्षकों में 103,000 शिक्षकों के फोल्डर निगरानी को जांच के लिए नहीं मिले थे। बाद में पिछले दिनों समीक्षा में पाया गया कि इसमें से अब 93,000 शिक्षक ही ऐसे बचे हैं। कोरोना के कारण टल चुका पंचायत चुनाव को राज्य निर्वाचन आयोग अगले 2 से 3 महीनों में कराने की तैयारी में जुट गया है। इसको लेकर पर्याप्त संख्या में EVM जुटाने की नई सिरे से तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए दूसरे राज्यों से EVM उपलब्ध कराने को लेकर पत्राचार किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो राज्य निर्वाचन आयोग ने दूसरे प्रदेशों से M2 मॉडल का EVM मंगाने का फैसला किया है। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग के पास भी अपना EVM है। ऐसे में जरूरत को ध्यान में रखकर ही आयोग EVM मंगाएगा। कोरोना की दूसरी लहर के मंद पड़ने के साथ ही प्रशासन संभावित तीसरी लहर पर प्रभावी अंकुश की तैयारियों में जुटा हुआ है। दूसरी लहर में ऑक्सीजन की भीषण किल्लत के बाद IGIMS, NMCH व PMCH जैसे अस्पताल समेत अलग अलग जगहों पर कई प्लांट लग रहे हैं। उत्पादन भी आवश्यकता से अधिक हो रहा है और आगे भी रहेगा, लेकिन बैकअप के लिए पर्याप्त सिलेंडर की ही व्यवस्था नहीं है। ऑक्सीजन कारोबार से जुड़े लोगों की माने तो दूसरी लहर जैसी तबाही तीसरी लहर में दिखी तो ऑक्सीजन की उपलब्धता के बावजूद सिलेंडर की कमी से दिक्कत होगी। अभी पटना जिले में रोजाना 7,500 से 8,000 ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता है। जानकारों की माने तो दूसरी लहर जैसी तबाही से निपटने के लिए पटना जिले में रोजाना करीब 15,000 से 20,000 सिलेंडर की जरूरत होगी। बांकीपुर एम्स और बांकीपुर पटना साहिब रूट पर आज से इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। वर्तमान में शहर के भीतर केवल 2 रूट बेली रोड और एयरपोर्ट रूट पर ही इलेक्ट्रिक बसें चल रही है, लेकिन अब ऐसे रूटों की संख्या 4 हो जाएगी। आज से एक एक बस से दोनों रूट में बस सेवा की शुरुआत होगी, लेकिन जल्द इनकी संख्या 2-2 हो जाएगी। एम्स रूट पर BSRCT की बस सेवा शुरू होने से वहां इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को बहुत राहत मिलेगी। पटना में लंबी दूरी होने के कारण सामान्य बस में उन्हें परेशानी महसूस होती है, जबकि इलेक्ट्रिक बस के AC होने और ध्वनि रहित इंजन व प्रदूषण रहित होने के कारण इनमें यात्रियों को बहुत आराम मिलेगा। पटना साहिब के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू होने पर वहां जाने वाले सिख श्रद्धालुओं को इससे सुविधा होगी और टैक्सी की तुलना में इससे काफी कम खर्च में वे आरामदायक ढंग से हर मंदिर साहिब तक दर्शन के लिए पहुँच सकेंगे। अन्य बसों की तुलना में इन बसों का किराया भी बहुत कम होगा। पटना जंक्शन के लिए 10 रुपया, राजेंद्र नगर के लिए 20 रुपया, धनकी मोड़ के लिए 25, जीरो माइल के लिए 30, टेंट सिटी के लिए 35 और पटना साहिब के लिए 40 है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।